Assalamualaikum, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो। इंशाल्लाह आप सभी लोग रोजा रख रहे हो, मैं भी इंशाल्लाह रख रही हूँ। आज आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं किचन में क्या कर रही हूँ। मैंने सोचा कि रमजान चल रहा है तो एक डिश बनाया जाए और आप लोगों के सामने वो शेयर किया जाए। ये जो डिश आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और ये जो डिश है ये मेरी दादी माँ की डिश है। सो आज का रेसिपी का नाम है दम सेवई। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रेडी है। हमारे यहाँ पे रेडी है तेज पत्ता और काजू एंड किशमिश, दिस अखरोट, और डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा चेरी ले लिया, एंड दिस इज पिस्ता क्रश किया हुआ, एंड दिस इज ब्राउन शुगर। आप लोग अगर ब्राउन शुगर नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन स्किप, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ले लिया देसी घी तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, आप लोगों को अगर नहीं चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। एंड हम लोगों को चाहिए पानी, एंड दिस इज़ कार्डमम सीड, ये ट्विस्ट करने से ये क्रश होकर ही निकलेगा। सो आप लोगों के पास अगर ये अवेलेबल नहीं है आप लोग अखा जो इलायची होता है वो भी ले सकते हो। तो आज का मेन जो होस्ट है रेसिपी का, दिस इज़ सेवई। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अभी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के टाइम आप लोगों को ये और लच्छा जो है आराम से कोई शॉप में मिल जाएगा, बट इट्स नॉट अ वर्मिसेल जो है वो अलग हो गया, ये सेवई है, तो ये चीज़ अलग है, दोनों चीज़ अलग हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चाशनी बना लेंगे, और चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है 2 कप, और यहाँ पे जो एक बाउल शक्कर है उसमें इसमें डाल देंगे। तो वहाँ पे हम लोगों का चाशनी जो है वो बन रहा है, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और इसमें मैं डाल दूँगी जो देसी घी है वो एक बार डाल दूँगी इसमें। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी तेज पत्ता, एंड नाउ वी विल ऐड ये जो सेवई मैंने आपको दिखाया इसको मैंने थोड़ा सा हल्के हाथों से क्रश कर लिया, और इसको मैं अभी पूरा इसमें डाल देंगे। इसको एकदम शैलो फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा इसको जोर से मत चलाइएगा तो फिर ये और भी टूट के बिखर जाएगा। बहुत ही हल्के हाथों से हम लोग इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये अभी लाइट ब्राउन होने लगा है, इसको ज़्यादा बिल्कुल भी मत रोस्ट कीजिएगा तो फिर ये खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं लगेगा। नाउ इस स्टेज में हम लोग ऐड करेंगे काजू, किशमिश, अखरोट, पिस्ता था, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सब मैंने डाल दिए, एकदम हल्के हाथों से फिर से शैलो फ्राई करेंगे। तो ये हमारे चाशनी जो है वो बनके रेडी है, और इसका आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो, इसको ज़्यादा गाढ़ा हम लोगों को नहीं करना है। और गैस को हम लोग थोड़ा सा हाई फ्लेम में कर देंगे, और हम लोग अभी थोड़ा क्रश किया हुआ कार्डमम सीड इसके ऊपर
दे देंगे और इसकी बहुत ही अच्छी फीकी फीकी सी एक खुशबू महकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सो नाउ यू कैन सी जो चाशनी का पानी है ये ऑलमोस्ट सूख गया है, लेकिन हम लोगों को चाशनी का पानी जो है वो पूरा सुखाना नहीं है, इसको गीला रखना है ताकि ये दम में हो जाए। दैट्स व्हाई ये रेसिपी का नाम ही है दम से रही। तो इस स्टेज में हम लोग गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और ये कम से कम 10 से 20 मिनट तक कवर रहेगा। सो नाउ यू कैन सी माय दम सेवा इज रेडी। आप लोग देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा क्रश किया हुआ है पिस्ता और चेरी मैंने डाल दिया है। ये देसी घी का खुशबू और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिलके माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है। आप सब लोग घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा रमज़ान में और मुझे बताइएगा ये रेसिपी कैसा लगा, मेरी दादी माँ की रेसिपी। मैं दुआ करती हूँ आप सभी के लिए कि अल्लाह आप सबको उस चीज़ से नवाजे जिसमें बरकत, राहत, सेहत, इज़्ज़त और सुकून वाली ज़िंदगी नसीब हो। खुदा हाफिज़।